अलवर शहर के पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंगल ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ अपनी मांगों को लेकर एसडीएम सिटी नवीन यादव को सौंपा ज्ञापन। अलवर शहर के पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंगल गुरुवार को बीजेपी के नेताओं के साथ मिनी सचिवालय पहुंचे। वहां एसडीएम नवीन यादव को ज्ञापन देकर अपनी बात रख कर बताया कि जब अलवर शहर की आबादी 6 लाख से अधिक है और नगर निगम के लिए 5 लाख की आबादी की जरूरत है तो दूर के गाँव को जोड़ने से क्या मतलब, जरूरत है तो आसपास की कॉलोनी व गाँव को जोड़ा जाए। नज़दीक के गांव व कॉलोनियों की बजाय निगम दूर के गांवों को जोड़ने से जाहिर है कि कांग्रेस वोट की खातिर ऐसा कर रही है जिससे गांव के लोगों को फायदे की जगह नुकसान होगा। इस पर अधिकारी विचार करें और सही निर्णय करें। असल में सरकार ने अलवर नगर परिषद को नगर निगम बनाया, इस कारण दायरा बढ़ाने की तैयारी चल रही है। पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंगल के साथ पूर्व पार्षद राजेश तिवाड़ी सहित कई पूर्व पार्षद व अन्य नेता उपस्थित रहे। पूर्व विधायक 3 दिन पहले कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली पर कई आरोप लगा चुके हैं। उन्होंने कहा था कि कैबिनेट मंत्री ने संकल्प कर रखा है कि अलवर शहर में पानी नहीं आने देना है, दूसरी तरफ गांवों को नगर निगम में शामिल करना चाह रहे हैं, गांव के संसाधन ले जाना चाहते हैं तो पानी तो आने दो। नाराज है कि हम अपना पेट भर सके तो हमको पड़ोसी से उधार क्यों लेना है? हम पड़ोसी के उधार मांगने जा रहे हैं? घर का हमारा कोठा भरा पड़ा है अनाज का। हमारे पास इतनी पॉपुलेशन 5.5-6 लाख पॉपुलेशन इस शहर की है, उसमें उन वंचित क्षेत्रों को जो आज की तारीख तक शामिल नहीं किए गए हैं नगर परिषद में, उनको नगर निगम बनाते समय शामिल कर लेना चाहिए। उसके बाद अगर और ऐसा लगे कि पॉपुलेशन के हिसाब से, क्योंकि 5 लाख पॉपुलेशन होनी चाहिए नगर निगम के लिए और हमारी 5.5-6 लाख है, उसके बाद अगर आवश्यकता पड़ती है, कम पड़ता है, तो फिर शहर से बाहर आसपास के एरिया को देखा जाए। अभी तक ये डिलिमिटेशन में जा रहे हैं 20-30-40 गांवों को जोड़ने का, ये राजनीतिक दुष्चक्र हो सकता है इस शहर के साथ कि भाई यहाँ से जो मेयर बनेगा आगे चलकर वो शहर में नहीं बने आगे चल के कभी भी। पंचायत राज के जो लाभ आज ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को मिल रहे हैं, ये राजनीतिक दुष्चक्र के माध्यम से उनको भी समाप्त करना चाहते हैं, क्योंकि शहर तो आज वर्तमान में नगर परिषद हमारी इस राजस्थान की सरकार के खराब कामों के कारण से हमारी नगर परिषद अपने काम को करने में सफल नहीं हो रही, और जब ये सफल नहीं हो रही तो आने वाले समय में उन लोगों को भी क्यों खराब करने का काम करें। आज शहर का मतदाता तो जैसे भी है, कहीं स्वर्ग रोड पर नालों में टेम्पू गिर रहे हैं, कहीं सड़कें टूटी पड़ी हैं, कहीं रोड लाइट सारी फ्यूज हैं, तो आज डकैती और नकबजनी हो रही है। इन सब चीज़ों से हम उन बिचारों को और दुखी क्यों करें जो आज पंचायत राज का कुछ ना राज का कुछ ना कुछ लाभ तो ले रहे हैं, पंचायत राज से वंचित हो जाएंगे, शहर के लाभ देने की हम स्थिति में नहीं है। शहर के आदमी की सफाई कर्मचारी गाँव में लगते रहेंगे, शहर का आदमी यूँ दुखी होएगा कि उसको सफाई कर्मचारी उसका बाहर जाएगा, और गाँव का आदमी इसलिए दुखी होएगा कि उसके लिए हम संसाधन उपलब्ध नहीं करा पाएंगे। इसलिए मैंने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है, और इसके बाद भी जो लड़ाई लड़नी पड़ेगी राजस्थान का एंड तो राज्यपाल महोदय पर होगा। मैं राज्यपाल महोदय को भी ज्ञापन देने जाऊंगा इस संबंध में, उनको भी बताऊंगा कि ये गलत प्रक्रिया को रोका जाए, इस राजनीतिक षड्यंत्र को रोका जाए, और राज्यपाल महोदय से रुकवाएंगे क्योंकि उनकी अनुमति के बिना कुछ नहीं होना है। और अंत में अगर सब कुछ भी नहीं होगा तो फिर कोर्ट है ही, कोर्ट में जाकर रुकवा दूंगा, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया के बाहर कोई नहीं जा सकता।